फ्रेंड्स वेलकम टू मस्त डिशेज़। आज हम बनाएंगे पनीर सैंडविच, वो भी तवे पे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और सभी को बहुत पसंद आता है, खासकर बच्चों को। आप इसे नाश्ते में झट से बना के तैयार कर सकते हैं। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी फिलिंग के लिए ये हमने ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे जीरा थोड़ा सा, और साथ इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। मैंने दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज लिए हैं। इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे प्याज को। इसमें हम डाल देंगे ये तीन हरी मिर्च, इनको भी साथ में हम दो मिनट तक। अब ये प्याज हमारा सॉटे हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये उबली हुई हमने पांच आलू ली हैं, इनको डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम लेंगे एक चम्मच भुना हुआ मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, और आधे छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। हमने एक चम्मच नमक डाला, इसको सारा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया पत्ती कटी हुई, इसको भी मिक्स कर देंगे। हमारी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने ब्रेड ले लिए हैं चार स्लाइस, अब इसमें हम रखेंगे। ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, इसको हम स्टफिंग को अपने इसी में लगा लेंगे इस तरह से। ये स्टफ करके रख लिए हैं। अब इसमें एक में रखेंगे हम बीच में ये पनीर का स्लाइस, और दूसरा ऊपर से इस तरह से ढक देंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमने भी इसमें तवा रख दिया है, गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे घी। अगर आप घी ना डालना चाहें, आपके पास बटर है तो आप वो भी लगा के सेक सकते हैं। और इसमें अभी हम अपने ये सैंडविच रख देंगे सिकने के लिए। अभी हम इसमें एक साइड ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे इस तरह से। अब एक साइड हमारे सिक गए हैं, दूसरी साइड में पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए, दोनों पलट देंगे इस तरह से। हमारे दूसरी साइड भी सिक गए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, इसी तरह हम सारे एक एक करके सेक लेंगे। हमारे सिक गए, इनको कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं, बढ़िया से बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व कर लिया है। ये झट से बन के तैयार हो चुका है ये सैंडविच, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और सभी को भी बहुत पसंद आता है। आप इसे चाय के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर पसंद आए तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।